मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम भक्त राधा, जिनका इसने जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा जैसा था, वही पावन रहस्य राठौर कैसेट के माध्यम से राधा माधव के पावन आख्यान को लेकर के आज हम आपके सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, दो पद उन योगी राज भगवान कृष्ण के कदमों में अपनी ओर से मैं समर्पित करता हूं। इमो यास लगी मोहन तेरी ये सूरती मोई दिखला जाना, वर्तमान में कि आप द्वापर युग के अंतिम चरण में जब ब्रज की पावन कुंजियों में अपनी मधुर बंसी को कर कमलों की पावन उंगलियों से होठों पर रखकर बजाते थे, सुनता हूं अपने होठों से तुम बंसी मधुर बजाते थे, सबका मन हरने वाले ये बंसी फेर बजा जाना। और यहां तक सुना है भगवान, ये भी सुनता हूं मन मोहन तुम माखन खूब चुराते थे, कैसा पवित्र स्नेह आपका गोपियों से था कि उन ब्रज की बालाओं के हाथों से छीन छीन करके प्रभु दही माखन चुरा चुरा कर आप खाते थे। ये भी सुनता हूँ गिरधारी तुम माखन खूब चुराते थे, बनवारी फिर से सबको बहला जाना। वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जाना। मेरे हम उम्र दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का पावन रसखंड राधा माधव आज हम राठौर कैसेट के द्वारा आपको सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कथा को सुनने से पूर्व योगी और भोगी इन दोनों के ऊपर
ये आप ध्यान से सुने कि इस रसिक खंड का आखिर आशय क्या है। कि श्री कृष्ण चंद्र का रसिक भाग, श्री कृष्ण चंद्र का रसिक रास राठौर के सिट में आया है। ध्यान रहे अभिलाख भ्रात, इसलिए तुम्हें चेताया है। आगे की कथा अनूठी है, अनुराग चरित्र रसीला है। भक्ति का भाव भड़कीला है, लाडली लाल की लीला है। ये भगवान कन्हैया का पावन रसिकखंड, ये रास विलास सामने का कुछ राग पूर्ण दिखलाता है। लेकिन जिज्ञासु ज्ञानियों को, लेकिन जिज्ञासु ज्ञानियों को वैराग्य मार्ग दर्शाता है। दोस्तों ये याद रहे कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण का ये परम रहस्य योगियों को तो योग मार्ग की ओर खींचता है, लेकिन भोगियों को लिए इसमें भोग की भी कामना जैसा कुछ दृश्य है। लेकिन परम रहस्य भगवान श्री कृष्ण का जो था वो सिर्फ योगियों की ओर ही संकेत करता था। दोस्तों और ये भी याद रहे कि श्री नंद यशोदा ने जैसे मोहनी मूर्ति पाई, भान ने वेद की ऋचा प्रगटाई। महाराज गोपियां केवल ग्वालिन थी मुख देव बालाए और वे प्रभु की मालिन थी। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। दोस्तों प्रभु की एक झलक पीतंबर की कोर बसंती, हाँ पीतंबर की कोर बसंती, मोर मुकट की झुकन बसंती, बैजंती की लटक बसंती, वनमाला की चटक बसंती। ध्यान रहे भक्तों, योगीराज भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो पवित्र स्नेह था दोस्तों, इसके पीछे त्रेता युग का संस्कार था कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर में गए थे, उस समय जनकपुर वाली सखियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम से निवेदन किया था कि भगवान आपके साथ हमने अभी तक कोई हास्य विलास नहीं कर पाया प्रभु। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने जनकपुर वाली सखियों से वादा किया था कि इस समय तो हम मर्यादा के बंधन में हैं,
मर्यादा को तोड़कर हास्य विलास नहीं करेंगे। अब तुम सभी द्वापर की प्रतीक्षा करो, जब हम यदुवंश में 16 कला से श्री कृष्ण बन के आएंगे उस समय तुम सभी जनकपुर वाली सखियां ब्रज की गोपियां बनना और मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तब आपके साथ पूर्ण रूप से हास्य विलास करूंगा। तो अभिलाख ये ध्यान रहे कि वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण बन के आए और ये ब्रज की जितनी भी गोपियां थी वो सभी जनकपुर वाली सीता जी की सखियां थी। आए मोहन रूप धर बही जान की नाथ, सुरजन आगे को सुना फिर द्वापुर की गाथ। अब दोस्तों द्वापुर युग की ओर आ पाए कि श्री नंदलाल ब्रज भानु लली बचपन में खेला करते थे। श्री नंदलाल ब्रज भानु लली बचपन में खेला करते थे, तप सिन की तप धाराओं से तप सागर उमड़ा करते थे। फिर प्रेम रसीली बातों से मैया का चित लुभाते थे। योगी राज भगवान कन्हैया ब्रजभान दुलारी राधा को स्व इच्छा से माता यशोदा से मिलाने को लाते थे और फिर मधुर मधुर बातें करके माता यशोदा के चित्त को लुभाते थे। तो दोस्तों एक दिन भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को लेकर यमुना तट स्नान के लिए गए हैं और उधर राधा जी अपनी सखियों को लेकर उसी घाट पर स्नान के लिए आईं। इधर राधा जी प्रभु के वियोग में थी तो श्री दामा नाम के ग्वाल ने जाकर के भगवान कन्हैया से कहा कि ओ कान्हा, आज तुझे गोरी वृंदावन की सघन कुंजों में तलाश कर रही है। तो भगवान कन्हैया बोले, रे ओ दामा, कौन थी वो गोरी? तो श्री दामा ने बड़े मधुर शब्दों में कन्हैया से कहा, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई काना। पूछने लगे दामा, कौन ढूंढ रहा है? तो बोला है दामा, गोरी गोरी उम्र की थोरी, गोरी गोरी उम्र की थोरी, उम्र की थोरी, गोरी 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 उम्र की थोरी, गोरी गोरी उम्र की थोरी। अरे लेती तुम्हारो नाम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई। तो कन्हैया पूछने लगे कि ओ भैया दामा, वो गोरी गई किधर को? तो बोला है दामा, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की। तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई। भक्तों याद रहे, भगवान कन्हैया ने जब सुना कि राधा जी मुझे तलाश कर रही हैं तो प्रभु ग्वालों को छोड़कर सघन कुंजों की ओर बढ़े हैं। एक जगह राधा जी प्रभु को मिली और योगी राज भगवान श्री कृष्ण राधा को निज इच्छा से लेकर के अपनी मैया जसोदा के प्रांगण में पहुंचे। तो जसोदा मैया पूछने लगी कि ओ कान्हा, तू कौन की छोरी को बुला लाए? और
तो मधुर बातों में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले कि ओ मैया, कि मैया में यमुना तीर गयो सब सखा छोड़ी मोई निकले। हे मैया, मैया में यमुना तीर गयो सब सखा छोड़ी मोई निकले। मेरा भूल के भटक गयो दाऊ भैया भी बिछड़े। करो तो बोली बड़ी रसीली है मम्मी, इनसे बातें करो तो बोली बड़ी सुरीली है। अरे बड़ी रसीली है बोली है, बड़ी रसीली है बाड़ी है, बड़ी सुरीली है अम्मा, इनसे बातें करो तो बोली बड़ी रसीली है। भगवान कन्हैया बोले मैया में रास्ता भटक गयो, दाऊ भैया भी बिछुड़ गए, जब गोरी मोर कुंजन में मिल गई और मैया जो राह बतात भाई मोर घर तक लाई। अरे मम्मी तू इनसे बातें तो कर, जब मालूम पड़ते के इनके मुंह में मिठाई सी घुली। हाय हाय दोस्तों, माता यशोदा ने भगवान की बात पर विश्वास किया और राधा जी को अपनी गोद में बिठा करके माता यशोदा मंत्र मुग्ध और विभोर सी हो गई। और साक्षात भक्तों, जब आग शक्ति राधा उनकी गोद में बैठी थी, स्वाधीन ब्रह्म कृष्ण का रूप धारण किए हुए सामने खड़े थे दोस्तों, तो कौन ऐसा जीव है जो विभोर न हो जाए। राधा की छवि देख कर मैया ने हर्षाय, दोनों का मुख चूम कर गोदी लिया बिठाए। राधा जी और श्याम को अपनी गोदी में बिठा करके मैया सोचने लगी, क्या सोचने लगी, मन अपनी में कैसी जोड़ी मनहारी है। माता सोच रही है, सोचने लगी मन अपने में कैसी जोड़ी मनहारी है, जो काम कृष्ण पर है निसार तो रति राधा पर वारी है। मैया यशोदा सोचने लगी कि अगर साक्षात रत मेरी गोद में है तो कन्हैया काम के रूप में बैठे हैं, इन दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी है कि काश ये बहू और बेटा बनकर के मेरे प्रांगण में सारे जीवन के लिए आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों, कब तक मैया इस हाल में रही ये तो वो माँ ही जानने वाली है। अंत में माता यशोदा ने राधा जी से पूछा, छोरी क्या तेरो नाम है, कौन तेरो गाम है, कौन तेरी माँ है, कौन तेरो पिता है। तो बड़ी भोली सी बनकर के राधा रानी माता यशोदा से बोली, मैया कि राधा बोली, बोली है राधा जी, राधा बोली ब्रज भानु पिता। मैया राधा बोली ब्रज भानु पिता, मेरे परेशाने में रहते हैं। मेरे परसाने में रहते हैं, मेरी मैया को नाम कीर्ति है। मैया मेरी मैया को नाम कीर्ति है और मोई राधिका कहते हैं।
मेरे पिता ब्रह्मान है, मेरी मैया कीर्ति है, बरसानों मेरा गाम है और मेरा नाम राधा है। दोस्तों जैसे ही बात मैया जसोदा ने सुनी तो एकदम से झुंझला पड़ी कि दारी कीर्ति अब की बार वो मिल जाए, मैं बात से बहुत लड़ूंगी। भक्तों ये बात यशोदा ने कीर्ति को क्यों कही, क्योंकि कीर्ति और यशोदा दोनों जिला फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। कीर्ति कन्नौज के राजा भलंदन के यज्ञ से प्रकट होकर बरसाने में ब्रह्मानु यादव को विभाई गई थी, और माता यशोदा भी जो थी दोस्तों वो इस फर्रुखाबाद जिले की रहने वाली थी। तो इस तरह से मैया कीर्ति के ऊपर यशोदा झुंझला पड़ी। भक्तों काफी देर तक राधा जी को गोद में बिठाए रही। अंत में यशोदा ने कहा कि कान्हा जब छोरी को तू जान दे, शाम हो रही, कीर्ति बड़ी परेशान होगी। तो कन्हैया कहने लगे, मैया इनको गांव बड़ी दूर है और उन कुंजों में इन्हें डर लगेगा, अगर तू कहे तो मैया मैं इनके साथ चलो जाऊं। यशोदा ने कहा कि जाओ कान्हा, लेकिन जल्दी लौटना। भक्तों यशोदा के घर से राधा और माधव जब चले हैं तो दोस्तों ये प्रतीत हुआ मानो जीव और ब्रह्म का मिलन होकर बरसाने की ओर जा रहा। जिस समय बरसाने में पहुंच गई राधा जी, तो अब राधा जी अपनी मैया कीर्ति से बोली कि मैया। हाँ, कीर्ति कहने लगी, क्यों रे तू कौन के छोरा को पकड़ लाई? तो राधा रानी बोली कि मैया आज मैं यमुना तट स्नान करन गई, गोपियां बिछड़ गई, मैं रास्ता भूल गई और ये कान्हा मुझे रास्ता बताते हुए घर तक लाए। मैया जी जसोदा के लाला हैं, तू इनसे बात कर। मैया जब मालूम पड़ते कि इनके मुंह में शक्कर सी घुली है, दोनों ने भोली भाली मैया को बहका लिया। और कन्हैया को जब देखा है मैया कीर्ति ने, तो उसके हृदय में एक भावना उपज आई, क्या कि उनके घर श्याम नगीना है तो मेरे घर लली मुद्र का है, उस जगह उमा है कृष्ण चंद्र फैली इस ओर चंद्र का है। कीर्ति सोच रही है, पूरी कर दी जो आशाएं, जो रीति प्रीति की पाली वो गोद लली बिन सुनी है। हाँ, वो गोद लली बिन सुनी है तो मेरी गोद लला बिन खाली है। कीर्ति मैया सोचने लगी कि जसोदा पे कोई छोरी ना है और मेरी गोद में कोई छोरा ना है, अगर ये दोनों की जोड़ी बन जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। भक्तों काफी देर तक मैया कीर्ति श्याम सुंदर के गोद में बैठाए हुए बड़े प्यार में विभोर रही। उधर संध्या की बेला थी तो कीर्ति ने कहा कि ओ राधा अब कान्हा को तू जान दे, अगर देर हो गई तो जसोदा बड़ी बेचैन हो जाएगी। भगवान कन्हैया सोचने लगे, ले नहीं कबीर मठा को जाते ही भैंसों पड़ा दो मत जात। हम सोचते थे मैया जसोदा ने घर पे राधा ना रखी तो कीर्ति मैया मोर रोक लिए, लेकिन यहीं से नंबर कटियो। तो भक्तों जब कन्हैया निराश होकर के चल दिए तो राधा जी से कीर्ति ने कहा कि ओरी छोरी काना दरवाजे तक जा रहे हैं और तू इन्हें विदा करके आ। भक्तों जब दोनों जीव और ब्रह्म की तरह घर से निकल करके दरवाजे पर आए तो राधा जी बोली कि प्रभु अब जाओ। कन्हैया कहने लगे, अब जाओ हम अकेले जाए रास्ता में डरने लगे? तो राधा बोली, हम क्या करें? प्रभु बोले, तुम हमारे संग चलो। राधा बोली, हम तुम्हारे संग चले तो बाहु से हमारे संग को आया। कन्हैया बोले, बाहु से हमारी और फिर जाओ से तुम फिर चलियो। तो राधा जी कहने लगी कि प्रभु सारी रात जय कबड्डी खेलते रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा तुम्हारे बिना जीवन नीरस है। तो राधा जी बोली कि प्रभु अगर इतना स्नेह है तो मैं सुबह गोदोहन के लिए खर्क में आऊंगी कन्हैया और तुम वहां मुझे मिलियो। इतनी कहकर दोस्तों जब राधा लौट करके घर को चली और उधर कन्हैया की दशा क्या बन गई कि राधा चली बरसानी श्याम सिसकी लेके रोए।
राधा चली परसानी श्याम सिस की लईकी रोए लौटत देखी राधा गोरी लौटत देखी राधा गोरी अश्वन से मुख धोए श्याम सिस की लईकी रोए राधा चली परसाने श्याम सिस की लईकी रोए सिस की लईकी रोए हिच की लईकी रोए राधा राधा चली परसाने श्याम सिस की लईकी रोए से चले तो भक्तों ये मालूम पड़ा कन्हैया को भी सारा संसार अंधकार में डूबा हो क्योंकि प्यार तो बरसाने में रह गया। सारी रात भगवान कन्हैया विरह में डूबे रहे। प्रातः राधा के आने से पूर्व ही प्रभु जब गायों के खर्क में पहुंच गए दोस्तों और तब तक राधा जी की सहेलियां शीला ललिता विशाखा चपला चंद्रा चंद्रकला माधुरी जो सब गोपियां जो थी बाई खर्क में गोदोहन के लिए आई। प्रभु श्यामा गाय की आड़ में बैठ गए। अब गोपियों में बहस होने लगी। ललिता कहने लगी कि और शीला हाँ आज तो कान्हा मेरे घर आएगा। शीला बोली तेरे घर क्यों आएगा वो तो मेरे घर आएगा। तो ललिता बोली नाना शीला वो तो कान्हा मेरे ही घर आएगा। शीला बोली कि और तेरे घर कैसे आएगा। तो ललिता बोली है कि मैंने संध्या से भोर तलक दीदी कि मैंने संध्या से भोर तलक उन्हीं की रटन लगाई है। शुद्धता से रुचि के गोरी अत्यंत शुद्धता से रुचि के गोरी दोनिया सजाई है। इधर तो गोपियों में बहस लगी है कि कान्हा मेरे ही घर आएगा। दूसरी कहती है मेरे घर आएगा। और तब तक प्रभु की परम भक्त राधा जी गोपियों के मंडल में आती हुई नजर आई तो ललिता कहने लगी कि ओरी शीला देख ले राधा रानी आ रही है। विशाखा कहने लगी नहीं नहीं राधा रानी नहीं हर की दीवानी आ रही है। और इधर राधा जी गोपियों में जब आई तो ललिता कहने लगी क्यों री उन्हें कहाँ छोड़ आई। राधा बोली कहने तो शीला कहने लगी वो नहीं कन्हैया को। तो राधा जी ने कहा कि दीदी प्रभु उन्हीं के घर होंगे जहाँ उनका विशुद्ध कीर्तन होगा जहाँ छल कपट दम्भ नाम की चीज नहीं होगी भगवान उन्हीं भक्तों के घर में होंगे। ललिता कहने लगी कि लहरी शीला हम तुमने श्याम सुंदर की बात की और उसने सवाल ब्रह्म पर ले जाकर रख दिया। तो चपला कहने लगी कि दीदी वो तो बिना ब्याह होना है बच्चे
बातें एकांत में ऐसी होती हैं, हम तुम नाच कूद के अलग हो जाएं, ये उनकी बेन की बन जाएं। तो शादी के लिए जब प्रस्ताव किया है गोपियों ने कि राधा कृष्ण का विवाह एक दिन जरूर होगा, तो राधा रानी बोली कि दीदी शादी का प्यार तो प्यार नहीं ये तो व्यापार कहता है। शादी का प्यार तो प्यार नहीं के तो व्यापार कहता है। दो विषयी जीवों का केवल और विषयन तक कोई नाता है। और बहन सुन ले, दैहिक संबंध जोड़ते ही एक दिन टूट वो जाता है, विष इच्छा पूर्ण होने पर। हाँ, विष इच्छा पूर्ण होने पर वो भावन रहने पाता है। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे। हाँ। आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। और यहीं तक नहीं दीदी, वे आंखें आंखें नहीं, जिन आंखों ने प्रभु का शुद्ध दर्शन नहीं कर पाया, बोली है राधा कि जिन आंखें सो घन श्यामन देखे, सो सजनी किस काम की आंखें। हम राख मयूर की पाख नहीं, अभिलाख रहे हरि नाम की आंखें। सुरजन कबहू नाय तार करे, इन अखियन सो घन श्याम की आंखें। और यहीं तक नहीं राठौर, वो जीवन जीवन नहीं है जिस जीवन में जीव और ब्रह्म जैसा प्यार इंसान का नहीं है। लुट तो भल है इस जीवन को, यदि जीवन को जग जीवन लूटे, पर टूटी न नेह के तार कहीं, पर नेह की धार नहीं यम टूटे। दीदी प्रभु से प्रेम में चाहे बदनाम भले ही हो जाऊं, घर बाहर कोट कलंक लगे, अपने सगे अपने संग छूटे। छूट जाए भले ये प्राण सखी, पर प्राणन से घन श्याम न छूटे। भक्तों याद रहे, जब राधा जी अपनी गोपियों को सहेलियों को ऐसा शुद्ध जवाब दे करके चली हैं, यूं कहकर चलने लगी दो दो कर सुकुमार, मुशिक आए मोहन तनिक छिपते भाव निहार। जब भगवान कन्हैया राधा जी की ओर देख करके श्यामा गाय की आड़ में बैठ करके तनक मुस्कुराए हैं दोस्तों, तो ये महसूस हुआ मानो काली घटाओं के बीच एक बिजली चमकी हो। वो तनिक ओट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पर। हाँ,
ही चित बन ही। अरे दैया कर गई चोट सुकुमारी पर था प्रेम बाढ़ बनवारी का। मन बनवारी काया धारी लगन तुम्हारी पर किस जगह लगी किस ओर गई। ना 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 किस जगह लगी किस ओर गई इस पार रही या पार हुई सुरजन को कोई पता नहीं। हाँ राठौर को कोई पता नहीं जो हुई छिपी सो मार हुई। भक्तों याद रहे जब राधा रानी ने भगवान कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखा तो वो मोहन मूर्ति राधा रानी ने खींच करके अपनी आंखों में रख ली और सोचने लगी कि प्रभु अब इस विशुद्ध मूर्ति के अलावा इन आंखों में इन लौकिक नेत्रों में कोई दूसरी मूर्ति आकर अपना घर न कर ले। ये सोच करके उन शुद्ध प्रभु की मधुर मूर्ति राधा जी ने अपनी आंखों में रखी और बेहोशी होकर के राधा रानी खरक में गिर पड़ी। हाय हाय दोस्तों गोपियों का हाल बेहाल हो गया। गोपियां ये सोचने लगी कि जब गैयन के खरक में राधा जी को कोई सर्प डस गयो। कीर्ति मैया को खबर कराई कि ओ मैया कीर्ति राधा छोरी को वह खरक में काउ नाग ने डस लियो। भक्तों मैया कीर्ति ब्रसभान ये सभी रोते हुए जब खरक में आए और छोरी को बेहोशी की हालत में देखा दोस्तों तो कीर्ति मैया अपनी बेटी राधा के ऊपर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और अपनी घुटनों पर रख लिया राधा को। अरे ले राधा को गो छरा बिन गाह लली में बिलख बिलख मर जाऊंगी। अरे तेरे बिन मेरे आंगन में अब गोरा मिर्या चेहरे और कोरू थे मेरे पहलन में अब कुन को कुमर मनाई है। मैया कीर्ति रोने लगी और कहने लगी कि अरे बहनों क्या करती हो खड़े खड़े ऐसे काम ना चलेगो। जब तक कोई गुनिया ना आएगो तब तक राधा को आराम ना मिलेगो। भक्तों गोपियां भागी
गोकुल वृंदावन महावन बरसाना मथुरा जहां कोई सर्पों का इलाज करता था सभी वैद्यों को बुला करके लाई और सभी वैद्यों ने यह समझा कि राधा जी को सर्प डस गया। तो दोस्तों नाना प्रकार का वहां पर उपचार होने लगा। भगत लोग आकर अपनी थालियां बजाने लगे जैसा और बड़े मधुर स्वरों में गाने लगे हैं सर्प का विष दूर करने के लिए। अरे खाई लई धन तारे ने सहेली खाई लई धन तारे ने सहेली रही कीरती हो तेरे रही कीरति रोई सुनी ललिता ने पानी टप टपा सू गिरे बह अखियन से हो पानी खाई लई धन तारे ने सहेली रही कीरति हो याद रहे भक्तों नाना प्रकार से वैद्य लोग उपचार करने लगे। लेकिन अब लाख यह ध्यान रहे कि ये प्रेम का रोग ऐसा विलक्षण है कि यह जहर कभी नाड़ियों में नहीं मिलता। नाड़ी टटोल कर वैद्य राज बैठे जाकर अनाड़ियों में टोल कर वैद्यराज बैठे जाकर अनाड़ियों में ये प्रेम विरह का रोग सुरजन मिलता है कहां नाड़ियों में। सूरज छुप जाए बादल पाकर चंद्रमाया बाबस्वाने से लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छिप सकते नहीं छिपाने से। और ये भी याद रहे दोस्तों मनुष्य तर कर्म कुकर्म आखिर है कब तक गुमान हो सुरजन ये बहुत असंभव है। राठौरे बहुत असंभव है के आग लगे फिर गुमान हो। भक्तों याद रहे हर वैद्य अपना नाना प्रकार का उपचार कर रहा है लेकिन राधा जी के ऊपर जब कोई असर नहीं हुआ तो राधा की प्रिय सखी ललिता ने कहा तेरे मैया कीर्ति ये घाव कोई दूसरी जगह है ये कैसा करिया नाग है जो नाना प्रकार का उपचार हुआ लेकिन इसका जहर दूर नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग में मैया केवल एक बात है क्या कि अब हम उसी सर्प को पकड़ के लाए जिस सर्प ने इस राधा को डसा। कीर्ति कहां लगी दारी की गाल खूब फार रही बैठी बैठी है। अरे वो सर्प अब तुझे कहां मिलेगा। तो ललिता ने कहा कि तू काय को परेशान है री कीर्ति तू कहे तो मैं बस सर्प को पकड़ना है बग बाप को पकड़ना है बग अम्मा को पकड़ना है बग सब खानदानों को पकड़ना है। कीर्ति कहां लगी दारी हीन बैठी गाल काय को फार रही जल्दी कर। दोस्तों ललिता वहां से चली और मैया जसोदा के आंगन में पहुंची। ओ जसोदा मैया ओ जसोदा मैया। जसोदा मैया भीतर से निकली और बोरी दारी काय को गाल फार रही खड़ी खड़ी द्वार पे। हाय एकदम से ललिता ने मैया जसोदा के पैर पकड़ लिए। जसोदा बोली बात क्या है। तो आंखों में आंसू भर करके ललिता बोली कि मैया गजब हो गया क्या कि मैया जो राधा छोरी थी हाँ हाँ तेरे घर आती जाती थी जो श्याम को बहुत चाहती थी और तुमको लाड़ लड़ाती थी।
आंखों में आंसू भर के ललता बोली, उसको क्या जाने आज कहा किसी विषधारी ने, तब से पानी तक ना पियो मैया व्रत भानु दुलारी ने। यशोदा बोली, क्योरी बस सर्प ने राधा को डसो है तो हिंदु कहे को आई। तो ललका ने कहा, बारो कान्हा गुन बारो है, जादू टौना में न्यारो है, करिया झारे तो चेन पर है, राधा को डसियो कारो है। करिया नागनी बन के दस गई राधे जाती नाजरिया, करिया नागनी बन के दस गई राधा मोहन की नाजरिया। करिया नागिनी, करिया नागिनी, हाँ करिया नागिनी बन के दस गई राधे कान्हा की नजरिया। भक्तों ध्यान रहे, इधर ललता और मैया जसोदा के मध्य में संवाद हो रहा था, और तब तक भगवान कन्हैया मुस्कराते से मैया जसोदा के पास आए और कहने लगे, मैया हाँ आज मेरी आंख में बड़ा बुरा दर्द है रे। और मैया मुझे मालूम पड़ रही कि ये आंख आज बिना फूटी ना बची। ललता कान लगी कि लला यू दर्द कब से हो ही रहा हो। श्याम सुंदर कहने लगे कि ललता आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आंखों के आगे कुछ पीला पीला सा नजर आता है। ललता समझ गई कि राधव पीली साड़ी पहने लेटी मैं खर के मैं, समझ गई कि जोहर कन्हैया ने कर दिया राधा के ऊपर। तो एकदम से बोली है कि ललता कन्हैया एक बात बताओ। कौन सी? क्यों जी मोहन इन आंखों में कुछ पीला सा दिखलाता है। हाँ कहा कहने लगे मैया, ललता बिल्कुल ठीक कह रही, सामने से लगातार देखूं तो पीला पीला दृश्य आता है। क्यों जी मोहन इन आंखों में कुछ पीला सा दिखलाता है, आगे से एक चंद्रमंडल। हाँ आगे से एक चंद्रमंडल फिर बिजली सी चमकाता है, भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मेरी जय हालत है जो राधा बयान कर रही है, ये ललता जो बयान कर रही है राधा की सखी मेरे हालात वही हैं। ललता बोली, और सुन लो कन्हैया, उसमें से दो मधुरी कर ले, हाँ आंखों में आ जाती होंगी फिर रह रह कर बेशी नाम। परसीना में बरसी सी खटकाती होंगी, भगवान कन्हैया कहने लगे मैया बिल्कुल जुई रोग है, जुई रोग है जो ललता वर्णन कर रही है। तो ये सोदा कहने लगी, क्यों री ललता एक बात बता कि तुम सब गोपियां या कान्हा को स्नेह करती हो और जब तू रोग की पहचान जानती है तो जगी दवा क्यों नहीं लेती। ललता कहने लगी, अम्मा हम तो डॉक्टर के कंपाउंडर हैं, डॉक्टर तो बरसाने में है। बरसाने में? हाँ, अरे बरसाने में कौन सा डॉक्टर है? तो बोली है ललता कि मैया बरसाने में एक डॉक्टर है।
एक राधा जी ने देवी जी से एक अमृत अंजन पाओ है। जिसने लाखों बीमारों पे मम्मी जिसने लाखों बीमारों पे और मैया असर दिखाओ है। और ऐसा ही नहीं मैया लाला जी चलो राधिका से अरे दैया बेहू की मार बिचारी है कुछ और चढ़ो है श्याम नाग उस और चढ़ो है श्याम नाग और नगिनिया कारी है। चेतन प्रीति की रीति निराली है भैया यो मेरे अभिलाख प्रीति की रीति निराली है। और प्रीति की रीति निराली है ललका कहने लगी कि मैया जब बीमारी से कान्हा व्याकुल है और वही रोग जो है वह राधा को है रोगी रोगी को इलाज करे और हमें देखे आनंद है। चलो लाला राधव तुम्हारे कार्ड बेचैन है और तुम राधा के बिना व्याकुल हो। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया सो तो मैं विश्वास है कितनो कालो सर्प हो और एक बार अगर हमने मंत्र पढ़ दो तो जहर छू मंत्र हो जाए। यशोदा बोली क्यों रे काना तूने जो सांपन को इलाज कब से सीख लो। तो ललिता बोली मैया जब कन्हैया ने बंसी बटकी कुंजों में गाय चरा चरा करके ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की तलाश की है कि जो बूटी अच्छे से अच्छे भगतों पे ना है। तो जसोदा बोली कि जाओ कान्हा जल्दी लौटियो लला कहूं ऐसो न करियो अंधेरो हो जा सदन कुंजन में सांपन को बड़ो बुरो डर है। तो ललिता बोली मैया चिंता न कर करिया को करिया कभू न डसत। दोस्तों इधर ललिता के साथ श्याम सुंदर जब आए हैं उधर राधा खरक में बेहोश पड़ी है। सभी से ललिता ने कहा कि आप दूर हटो अब कान्हा आ गए और राधा का इलाज करेंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा कि ललिता तू पहले एक लोटा पानी लेके आ। पानी आएगा दोस्तों श्याम सुंदर ने कहा कि नीम को झोरा और तोड़ के ला भू टूट के आएगा। अब भगवान कन्हैया बोले ललिता तुम हटो। तो ललिता बोली लला जू कौन सो इलाज है कि सो सब एकांत में हट जाए। तो कान्हा ने कहा कि मेरे इलाज को जो देखेगा वो आंखों से अंधा हो जाएगा और मंत्र को सुनेगा वो बहरा हो जाएगा। ललिता कहाँ लगी लला चाहे मंदे हो जाए चाहे बहरे हो जाए ऐसे ऑटोमेटिक। तो ललिता तो वहीं खड़ी हो गई। अब भगवान कन्हैया ने भक्तों मंत्र पढ़ो सुनो। ओम काली काली दे दे प्याली ताली चढ़ाऊं तो एक किलो हरो रदिया गठीला डालूं छड़ में खो खिड़की को कांटा गलियों का धोखा कुआ या बादे को यादे मेल इसकी गवा लाए पे तो रहो है बिसियर सोय काले को काटो कालो उतारे रहे न जहर जाई बिसको यार मेरे धीरे धीरे कानों में कह गई राधा ओए।
जानऊ में कह दई राधा ओई। जैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा राधा, सोई राधा ने पट से आंखें खोल नहीं। ललिता तो हसत लौट गई कि देखो जब मंत्र में एक शब्द सांचो ना राधा ठीक हो गई। राधा ने जब नेत्र खोले तो भगवान कन्हैया ने प्रश्न किया, राधे हां काना। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, तो राधा बोली तुम ही जानो। फिर पूछा दर्द कहां पर है, राधा बोली तुम पहचानो। प्रभु ने पूछा इसका मतलब, इसका मतलब तो राधा बोली तुम ही जानो। फिर पूछा प्रभु असलियत को, तो राधा बोली तुम पहचानो। राधा से भगवान ने पूछा हालत क्या है, तो राधा जी बोली तुम ही जानो। दर्द कहां है, तो भगवान कन्हैया को जवाब दिया कि तुम पहचानो। भगवान ने कहा ये नाटक क्यों किया, तो राधा ने कहा कि प्रभु आपने जब खरके में मुझे संकेत किया था तो मैंने वो मोहनी मूर्ति खींच करके अपनी आंखों में रखी थी और गोपियां ये समझी कि तुम्हें सर्प डस गया। भगवान कन्हैया ने कहा कि राधे अगर ये बात है तो आज हम तुम्हें एक वचन देते हैं कि राधे तुमको आज जन्म मेरी मोहनी मूर्ति दिखलाएगी। मैं रहूं या चाहे चला जाऊं, पर मूर्ति न मन से जाएगी। मैं रहूं या चाहे चला जाऊं, पर मूर्ति न मन से जाएगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि राधे जिस तरह दिन के पीछे रात है, दुख के पीछे सुख है, योग के पीछे वियोग है, उसी तरह राधे जीवन के पीछे मरण भी लगा है। मैं रहूं या वृंदावन से चला जाऊं, लेकिन मेरी मधुर मूर्ति तुम्हारी आंखों से कभी नहीं जाएगी। और एक वचन राधे हम तुम्हें देते हैं क्या, कि आत्मिक संबंध प्रेम मेरा तुमसे न कभी हो न्यारा। कभी हो न्यारा जो पद है लक्ष्मी सीता का, वो ही पद देव तुम्हारा। महाराज भाग्य राधा के जागे है, मन मोहन पीछे रहे रहे अब राधा आगे है। राधा कृष्ण युगल जोड़ी पर ये सुरजन बलिहारी है। राधा कृष्ण युगल जोड़ी पर सुरजन बलिहारी है। राधा कृष्ण युगल जोड़ी